أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته क्या हाल है मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज हमारे पास बहुत अच्छा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, तो हमने सोचा कि चले हम पकौड़े बनाते हैं और सोचा कि चले अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो ये हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे साथ हैं प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप और साथ ही बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हमने एक तकरीबन एक पाव बेसन लिया है, और हमने साथ दो अदद इसमें प्याज पतले पतले करके प्याज काटे हैं, और स्लाइस में हमने ये आलू काट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके साथ हमारे पास हरा पुदीना और धनिया है, और सब्ज़ मिर्चें दो हमने इसमें काट ली है, और इसमें एक चम्मच नमक है, डेढ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च है, और एक से डेढ़ चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, और जो धनिया है वो भी हमारे पास फ्रेश हुआ हुआ पड़ा था तो हमने वो यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आधी चम्मच जो है ये हल्दी की है, और तकरीबन एक दो चुटकी जो है आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो कर ले, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम सबसे पहले बेसन में इसको छान लिया था, और छान के अब हम इसमें अच्छा सा इसको हम मैश करेंगे ताकि बेसन की कोई गुठली जो है वो इसमें ना रहे। अब हम इसमें ये सारा जो हमने मसाला रखा था ये सारा इसमें हम स्पाइसेस डाल देंगे, और स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स भी कर लेंगे। अब हमने जो इसमें आलू काटे थे ये भी इसमें डाल देंगे, प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे, और फिर इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। अब इसमें हम हरा धनिया पुदीना और सब्ज मिर्चें जो काट के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे और इसको साथ साथ मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, चाहें तो आप अपने हाथ के साथ हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें कि माशाल्लाह से मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, और ये इस में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, तो बहुत अच्छे और ख़स्ता पकौड़े बनेंगे। तो ये हम अब मसाला सारा रेडी हो चुका है, और अब हम इसे तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए हम इसे रख देंगे ताकि ये अच्छा सा मसाला जो है और ज़्यादा अच्छा रेडी हो जाए, फिर हम पकौड़े बनाना तलना शुरू करेंगे। हमने ऑयल जो है कढ़ाई में डाल के गरम किया है, अब हम चेक करते हैं कि ऑयल कितनी मिकदार में, अगर ये जल्दी से होके आ जाए बूंदी की तरह बन जाए तो इट मीन्स कि ये हमारा जो ऑयल है रेडी है पकोड़े तलने के लिए। तो अब हम इसे चम्मच से चाहे और चाहे आप हाथ से छोटे छोटे पकोड़े आप बनाते जाएं और यूँ डालते जाएँ, तो ये बहुत अच्छे और थोड़े थोड़े वक्फे के साथ होंगे ताकि ये जुड़े ना आपस में। तो आप देखें बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, और इनको आप ऊपर से प्रेस भी कर लें अगर, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, ये करके दबा के देखते हैं कि माशाल्लाह से ये कितने अच्छे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको ये निकाल के हमने इसको अलग से इस नेट वाले में रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका निकल जाए। साथ ही हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं, और साथ ही हमने चाय बना ली है ताकि अच्छी सी जो है पकोड़ा पार्टी हो जाए।
पकौड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं, होते हैं। जब हम बनाते हैं तो फिर जब हम पकौड़े बनाते हैं तो स्पेशली मैं अपने लिए सब्ज़ मिर्चें भी पकौड़ों में फ्राई करती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। और इनके ऊपर फिर हम कोटिंग करेंगे। सीधा रख मोबाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे जो है पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, साथ में चाय भी बन चुकी है गर्मा गर्म। और आप देख सकते हैं पकोड़े बहुत मज़ेदार और यमी हैं, अंदर तक ये सही अच्छे से पक गए हैं। और आप भी ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो आप भी इंजॉय कीजिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।